बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की फिल्म दंगल को चीन में ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। इस फिल्म ने चीन में 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि भारत में इसने 387.38 करोड़ रुपए ही कमाए। दंगल चाइनीज बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है। ट्रेड एक्सपर्ट रमेश बाला ने इसकी जानकारी ट्विटर पर दी है। उन्होंने लिखा, फिल्म दंगल ने चीन में बेहतरीन कमाई की और 500 करोड़ रुपए क्लब में एंट्री मार ली है। बता दें कि चीन में केवल 13 दिन में ही दंगल ने कमाई की। चीन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म आमिर की ही पीके थी, लेकिन अब ये रिकॉर्ड दंगल ने अपने नाम कर लिया है। वहाँ पीके की कमाई 140 करोड़ रुपए थी। अब तक इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मिलाकर 1275 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। चीन में इसने 510 करोड़ की कमाई की है, वहीं ताइवान में 20 करोड़ और भारत के साथ दूसरे देशों में इसने 745 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इन सबको मिलाकर ये आंकड़ा करीब 1275 पहुंच जाता है। रमेश बाला ने इन आंकड़ों की जानकारी भी ट्विटर पर दी।